तो आई वुड लाइक टू विश एवरीबडी अ हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द पीपल दैट हैव मदर्स. मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें जाके जोर से कस के जाके गले लगाएं और उन्हें थैंक यू कहें फॉर ऑल दैट दे डू फॉर यू एंड टू नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड. बिकॉज आपके जो पेरेंट्स हैं आपकी भलाई के लिए आपके बारे में चिंता करते हैं, तो जो कहते हैं उसे सुनिए, उसे समझिए, उन्हें नकारिए मत. डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड. कहीं ना कहीं दे आर द रीज़न वाई यू विल बिकम वट यू विल बिकम. सो आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल जो आज देख रहे हैं, जाके मेरी तरफ से अपने मम्मियों को गले लगाइए. और बस कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, बस गले लगा देना, वो खुद ना खुद समझ जाएंगे. एंड यू शुड ऑल कंसिडर योरसेल्फ वेरी वेरी लकी दैट यू हैव पेरेंट्स, मदर्स एंड फादर्स हु केयर फॉर यू एंड वरी अबाउट यू. सो थैंक यू. यार यू नो, आप ये एक हफ्ता पहले पूछते तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में थी, अब दिमाग सुन हो गया क्योंकि अब 5 दिन बचे हैं. तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है और वो फ्राइडे करीब आता जाता है, कहीं ना कहीं मैं सुन हो जाता हूँ. मैं सोचना मुश्किल हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है. आप एक मशीन की तरह बस ऑपरेट कर रहे हो कि आप कैसे उस फ्राइडे तक पहुँचो. बिकॉज कहीं ना कहीं इतनी लगन से हम पिक्चर बनाते हैं और इवेंचुअली फ्राइडे को उसका नतीजा निकल जाता है. तो सोचिए कि साल डेढ़ साल आप एग्ज़ाम की तैयारी करो और फिर उसके बाद नतीजा फ्राइडे को. तो बहुत पॉजिटिव हूँ, हर पिक्चर के पहले हमेशा पॉजिटिव होता हूँ. बिकॉज मैं ऑडियंस को बहुत बड़ा दर्जा देता हूँ इन डिसाइडिंग द फेट ऑफ द फिल्म. तो आई फील ऑडियंस हमेशा सही मानती है. अगर उनको अच्छी लगी तो सही है, नहीं अच्छी लगी तो हम दोबारा कोशिश करते हैं. बट इतने जल्दी रिलीज़ के इतने करीब आपने पूछ लिया कि अभी इस वक्त थोड़ा सा दिमाग हिला हुआ है. तो पॉजिटिव हूँ पर थोड़ा सा अभी सुन हो चुका हूँ. मतलब सच में पता नहीं, अब जो होगा फ्राइडे को अच्छा ही होगा ऐसी दुआ करता हूँ. हाँ यार, मैं तो कॉलेज गया नहीं तो जी देखिए क्या होता है. कहीं ना कहीं अब 5 साल बीते हैं तो इन 5 साल में आपने देखा है कि काम कितना ज़्यादा है, कितना ज़रूरी है. तो कहीं ना कहीं आई हैव ऑलवेज प्रायोरिटाइज्ड वर्क एंड आई गेस समवेयर इट्स नॉट ईजी टू प्रायोरिटाइज वर्क एंड हैव अ रिलेशनशिप दैट इज स्टडी. इट बिकम्स डिफिकल्ट, मुश्किल हो जाता है कि अगर आप काम को इतना इंपॉर्टेंस दो तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ अधूरी सी रह जाती है. बट दैट्स अ चॉइस यू टू मेक. सी आई एम ओनली 32, अभी आई एम टर्निंग 32 नंबर. एक्चुअली अभी 32 बोल के ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी भरकम उम्र हो गई. जब शुरू किया था तो 25-26 का था. मैं हमेशा कहता हूँ यू नो, मैं तैयार हूँ. पर कहीं ना कहीं अगर तैयार होता तो अब तक कोई ना कोई मेरी जिंदगी में होती. जब सही समय आएगा तो वो अपने आप हो जाएगा. दीज थिंग्स कैन बी फोर्स्ड. एंड ऑल्सो लाइक आई सेड, आई हैव गिवन माई वर्क एवरीथिंग. होपफुली आई विल बी मोर स्टेबल एज टाइम कम्स इन द फ्यूचर. आई डो नॉट गो बाय द पब्लिक आई. बिकॉज देखिए, आपको जब पर्सनल आपके रिश्ते होते हैं वो तो आपके पर्सनल रिश्ते ज़रूरी होते हैं. बट आई हैव बीन सो कॉट अप विद वर्क, आई हैव नॉट हैड द टाइम और द पॉसिबिलिटी टू क्रिएट दैट फाउंडेशन. द वे आई वर्क हार्ड टू क्रिएट दिस वर्क फाउंडेशन, आई हैव नॉट बीन एबल टू गिव दैट टाइम टू माई पर्सनल लाइफ. बिकॉज ऑल्सो वैन आई स्टार्टेड, आई लॉस्ट माई मदर जस्ट एट दैट टाइम. यू नो, तो मैं भागा दौड़ी में कि मैं काम करना चाहता हूँ, आई वुड बी बिजी, आई वुड बी बिजी. आई जस्ट केप वर्किंग एंड देन अब वो एक नशा है, अब वो एक जुनून है. अब क्या है, जब काम नहीं होता तो काम ढूंढने का मन करता है. तो खाली बैठने की आदत ही नहीं रही और वो पसंद नहीं आता है. तो उस चक्कर में क्या है, 5 साल बीत गए पर रिलेशनशिप्स को टाइम नहीं दे पाया. बिकॉज आई ऑलवेज लुक्ड फॉर वर्क मोर देन माई पर्सनल. बट लेट्स सी, लाइफ बहुत लंबी है और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, छोकरा अभी जवान है तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा. यार बहुत मुश्किल होता है ऐसे बोलना, क्योंकि जब भी आप एक बोलते हो दूसरा ही होता है आपके साथ. इन सिचुएशन में हमेशा उल्टा ही होता है, आप बनाते हो अपने दिमाग में. और ऐसे कुछ होना नहीं चाहिए, कल को क्या पता मैं किस किस्म की लड़की की तरफ अट्रैक्ट हूँ या कोई मेरी तरफ अट्रैक्ट हो. बस इतना ज़रूर कहूँगा, एनी गर्ल हु वॉन्ट्स टू डेट मी और एंड्स अप इन अ रिलेशनशिप विद मी, आई होप शी अंडरस्टैंड्स कि मेरा समय मेरा नहीं है, मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी मेरी नहीं है. एक हिस्सा लोगों के पास है, एक हिस्सा मेरे काम के पास है और कहीं ना कहीं मेरा खुद का समय मेरा नहीं होने वाला. आई विल ऑलवेज be divided and this profession XYZ जो भी मेरी जिंदगी में आएगी कहीं ना कहीं she will also be in the limelight whether she likes it or not. So somebody who comes into my life just has to know that वो एक हिस्सा है जो मैं control नहीं कर सकता. So I hope whoever comes into my life appreciates that okay, this is my profession, it's not something that she can get away from and I can't go away from it. So yeah, but ये बहुत serious हो गया मेरा answer. Normally इतना serious नहीं होता पर आज कुछ serious mood में आ गया.